कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बैठी, आपको क्या कहना है? कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की जो सरकार है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। मैं उसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी और जो वहाँ के माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब, डी के शिव कुमार साहब और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण को सोलापुर शहर की तरफ से लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ। अल्लाह ताला का ऐसा अनुक्रम है कि जिस तरह कर्नाटक राज्य में वहाँ के लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करे और जातिवाद शक्ति जो है भाजपा सरकार उसको जो मतदान का कॉल है वो नकारे गया ऐसा है। और इसलिए कर्नाटक राज्य के जनता को भी, मतदार भाइयों बहनों को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। उसी तरह सोलापुर शहर में, महाराष्ट्र राज्य में 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, आमदार के हो, लोकसभा के हो, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, जिला परिषद, इसमें भी सोलापुर शहर जिले में हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, ऐसी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, जो महाराष्ट्र राज्य में भी महाविकास आघाड़ी की सत्ता आना, ऐसे हम लोग जद्दोजहद कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो जनता को मतलब मैं आह्वान करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह कर्नाटक राज्य के मतदारों ने जो कांग्रेस पार्टी को पसंदीदा दिखाया है और वहाँ के जो भाजपा जातिवाद शक्ति पार्टी को नकारा गया, उसी तरह सोलापुर शहर जिला हो चाहे महाराष्ट्र राज्य हो, यहाँ की भी जो जनता है, मतदार भाई बहने हैं, वो भी कर्नाटक राज्य की तरह यहाँ महाराष्ट्र राज्य में भी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार सत्ता लाना और महाविकास आघाड़ी की जो भी उम्मीदवार रहेंगे उन्हें मतदान करके महाराष्ट्र राज्य में जो जातिवाद शक्ति पार्टियाँ हैं, जो हर समाज धर्म को लेकर जो दिशा भूल कर रहे हैं, जातिवाद का माहौल पैदा कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता आना बहुत जरूरी है। इतना कहता हूँ फिर से एक बार, जो कर्नाटक राज्य में कांग्रेस पार्टी जो है जो बहुमत आंकड़ा पार कर चुकी है 131 सदस्य आगे जो कही है, मैं वहाँ के तमाम नूतन आमदारों को, वहाँ के मतदारों को भी उनका आभार मानता हूँ और उन्हें शुभेच्छा देता हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बैठने के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की कॉर्पोरेशन इलेक्शन, आप क्या कहना है? नगर क्षेत्र वहाँ बैठने के बाद जो है, अब यहाँ का जो हमारा महानगर पालिका जो इलेक्शन है आज तकरीबन 14 महीने हुआ, यहाँ पर प्रशासक लगा हुआ है। इलेक्शन जो है जो सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन पेंडिंग है, एक प्रभाग रचने का और दूसरा ओबीसी आरक्षण का। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निकाल नहीं होता, यहाँ पर जो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते, अब उसको वक्त कितना लगता है, कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द 2-4 महीने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, निकाल लगेगा। उसी तरह सोलापुर शहर में भी महानगर पालिका इलेक्शन लगेंगे, जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति रहेंगे। तो उसके बाद 2024 में पहले लोकसभा फिर विधानसभा जो इलेक्शन है, बस यहाँ के जो हमारे मतदार जो भाई बहन है उनसे भी अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ सोलापुर शहर में, जिले में, महाराष्ट्र राज्य में अमन सुकून शांति रखने के लिए महाविकास आघाड़ी को आप साथ दीजिए और उन्हें मतदान करके जातिवाद शक्तियों को दूर करना, हर समाज के, हर धर्म के नागरिकों का, मतदारों का फर्ज है। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सब्स्क्राइब करा।